जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे यॉर्कशायर वर्सेस नॉर्थम्पटनशायर T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच हेडिंगली लीड्स के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन रात के 11 बजे स्टार्ट होगा। तब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 23 जून को यॉर्कशायर वर्सेस वॉर्चेस्टरशायर के बीच में मैच हुआ था। और इस साल इस वेन्यू के ऊपर ना 4 T20 के मैचेस खेले जा चुके हैं। तो अपन ने उस मैचेस के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपके यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी ना मेरे हिसाब से दोस्तों यूज्ड पिच यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन पहले ही मैच हुआ था। तो अपन कह सकते हैं जो पिच रहेगी ना वो बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की हेल्प देने वाली है। और आपको ध्यान देना है इस वेन्यू के ऊपर ना हेडिंगली लीड्स के ऊपर ये दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 8 मैचेस खेले हैं। और आपको पता है यॉर्कशायर यहाँ पे 4-3 से आगे, और एक मैच यहाँ पे दोस्तों बारिश के कारण रद्द हुआ था। और आपको बताना चाहूंगा जो वेन्यू ना हेडिंगली लीड्स, ये दोस्तों होम ग्राउंड है यॉर्कशायर का। इस वेन्यू के ऊपर यॉर्कशायर ने 104 मैचेस खेले हैं और 53 मैचेस जीते हैं। अब ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था इस साल इस वेन्यू के ऊपर ना 4 T20 के मैचेस हुए। तो देखो यहाँ पर जिस टीम ने बैट फर्स्ट करा था ना इस साल, 3 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ लास्ट 4 गेम्स। एवरेज स्कोर 150-180 आपको बनता दिखेगा। अब ध्यान देना है लास्ट 4 मैचेस के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था। पेसर्स ने, मतलब तेज गेंदबाजों ने 40 विकेट निकाले। पहली पारी के अंदर 21 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 19 विकेट है पेसर्स का। अब देखो किस टाइप के यहाँ पे तेज गेंदबाज विकेट निकालते हैं। राइट आर्म पेसर्स ने 35 विकेट निकाले, लेफ्ट आर्म पेसर्स ने 5 विकेट निकाले। और स्पिनर्स की बात करते हैं ना, तो स्पिनर्स ने यहाँ पे लास्ट 4 मैचेस के अंदर ज़्यादा कुछ खास करा नहीं है, सिर्फ 9 विकेट निकाले। और उसमें से आपको पता है 7 विकेट तो दूसरी पारी के अंदर निकाले हैं स्पिनर्स ने, पहली पारी के अंदर मात्र 2 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स यहाँ पे विकेट निकालते हैं। ऑफ स्पिनर्स 6 विकेट है, लेग स्पिनर तो दोस्तों 1 भी विकेट नहीं है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स यहाँ पे 3 विकेट है। जो लास्ट मैच हुआ था 23 जून को यॉर्कशायर वर्सेस वॉर्चेस्टरशायर, उस मैच के अंदर 8 विकेट यहाँ पे तेज गेंदबाजों ने निकाला था और मात्र 1 विकेट यहाँ पे स्पिनर ने निकाला था। और दोस्तों यहाँ पे सनी वेदर रहने वाला है। आप खुद दोस्तों गूगल के ऊपर जाके वेदर फोकास्ट चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं जैसा आपसे बोलता हूँ, वीडियो बनाने से पहले हमेशा वेदर फोकास्ट चेक करता हूँ। ये मैच ना इंग्लैंड के टाइम के अनुसार 5:30 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, 5 बजे टॉस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 बजे के टाइम पे ना इस वेन्यू के ऊपर क्या दिखा रहा है, हल्का सा क्लाउडी है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से बारिश नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सूरज दादा की दोस्तों यहाँ पे फोटो बन रही है, सूरज महाराज की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाउडी वेदर हल्का सा रह सकता है, लेकिन पूरा मैच आपको होता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं इसकी तरफ। वीडियो को दोस्तों आप लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी, आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हो। न्यूज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपको बताइए नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से वैन पर्नल और यहाँ से मोहम्मद नबी ओवरसीज प्लेयर है। यॉर्कशायर की बात करते हैं तो टॉम कॉलर कैडमोर दोस्तों अपना हाथ तुड़वा के, मतलब फिंगर तुड़वा के रूल्ड आउट हो चुके हैं। जॉनी बैरिस्टर डेविड मलान ओवरसीज ड्यूटीज पे अलॉन्ग विद आदिल राशिद, जॉनी टेडरसल स्क्वाड के अंदर एडेड है। अब देखो जब दोनों टीम आपस में खेली तब क्या, दोनों टीम्स ने आपस में 16 मैचेस खेले हैं और नॉर्थम्पटनशायर यहाँ पे 4 बार जीती है, यॉर्कशायर दोस्तों 8 बार जीती है। और आपको ध्यान देना एक चीज़ बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा कि 2016 से ना ये टीम्स ने 6 हेड-टू-हेड मैचेस खेले 2016 से, और 2016 से ना यॉर्कशायर हर बार जीतती आई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा कि जो टीम है ना नॉर्थम्पटनशायर दोस्तों, ये स्टार्टिंग के अंदर इतना ख़राब खेली थी कि शब्द मैं बयान नहीं कर सकता। फिर दोस्तों जब से मोहम्मद नबी इस टीम के अंदर आए ना, ओवरसीज प्लेयर है, उन्होंने कुछ खास करा नहीं है दोस्तों टीम के अंदर, पर जब से वो टीम के अंदर आए ना तब से टीम दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम लेके आगे चल रही है। मतलब है इनका एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड हो चुकी है, ये टीम दोस्तों जीती है इस टाइम पे। अब देखो लाइनअप्स की बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना है नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से आपको 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन मैं आपको नीचे बताऊंगा। पहले देखो रिचर्डो यहाँ पे ओपन करते हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, तो ये दोस्तों साउथ अफ्रीकन बॉर्न प्लेयर है। एडम वॉशिंगटन आएंगे ऐसे कैप्टनसी विकेटकीपर बैट्समैन, राइटी बैट्समैन है। चार्ली थर्स्टन राइटी बैट्समैन, वैन पर्नेल आएंगे ऐसे लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, प्रमुख गेंदबाज ओवरसीज प्लेयर ऑफ है कहाँ के सब जानते हैं, साउथ अफ्रीका। नबी साहब राइटी बैट्समैन ऑफ स्पिनर, प्रमुख गेंदबाज है। सैफ ज़ैब लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बॉलिंग बहुत ही कम कराते हैं, मुश्किल से 10 मैच में से 1-2 मैच में बॉलिंग करा लेते हैं। रॉब गॉच ये है राइटी बैट्समैन और ऑफ स्पिनर। टॉम टेलर राइट आर्म मीडियम फास्ट, ग्रिमी व्हाइट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, ब्रेंडन ग्लोवर नेदरलैंड के प्लेयर हैं राइट आर्म मीडियम, बेन सैंडरसन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। आपको ध्यान देना है
इस मैच के अंदर भी एक चांस बन सकता है कि चार्ली थर्स्टन को बाहर करके जॉस कॉब को बुला लें। अगर दोस्तों जॉस कॉब फिट है तो इंजर्ड हो चुके थे, आपको पता ही रहेगा, वर्ल्ड क्लास प्लेयर दोस्तों जॉस कॉब, यॉर्कशायर, एडम लेथ, जॉनी टेडरसन ओपन, वन डाउन आएंगे, जरूर टीम पे गिव अवे, हैशटैग स्टैट्स गुरुजी लिख के आपको जरूर कितने रन बनाएंगे लिखना है, JR इक्वल्स टू हाउ मेनी रन, ग्रे बैलेंस, हेनरी ब्रुक्स आएंगे यहाँ से, विल फर्ने, जॉर्डन थॉम्पसन या फिर यहाँ से मैथ्यू वाइट, डोमिनिक बेस, मैथ्यू फिशर, लॉकी फर्गसन, प्रमुख गेंदबाज है जिनका आगे मैंने डॉट मारा हुआ है, जॉर्डन थॉम्पसन, डोमिनिक बेस, यहाँ से मैथ्यू फिशर, लॉकी फर्गसन। ये दोस्तों प्रैक्टिस मैच स्टैट्स आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ में एक्सप्लेन कर ही दिया था। अब देखो जब दोनों टीम आपस में खेलती तब क्या होता है, जब दोस्तों रिचर्डो खेलते हैं अगेंस्ट दिस टीम, यॉर्कशायर तो आज तक उस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेला है, लेकिन 2020 के अंदर इसने 3 मैचेस खेला था, 67 रन था, 22 की एवरेज थी। एडम रॉशिंगटन ने यॉर्कशायर के अगेंस्ट में 5 मैचेस के अंदर 38 रन करे हैं, 4 बार बैटिंग आई है, जिसमें देखो 25-12-1-0 हर बार चेसिंग के टाइम पे करा है, बैट फर्स्ट 19 की एवरेज, बैट सेकंड 23 की एवरेज है, और 2020 के अंदर 8 मैचेस में 22 की एवरेज थी और इन्होंने 156 रन करे थे। चार्ली थर्स्टन 41-16 वाइल बैट फर्स्ट करा था इसने, इसका बैट फर्स्ट के अंदर T20 करियर के अंदर 21 की एवरेज है, वाइल चेसिंग इसकी मात्र 8 की एवरेज है, और इसने लास्ट टाइम 2019 के अंदर खेला था ना कि 2020 के अंदर, तब इसने 5 की एवरेज रखी थी 2 मैचेस में 11 रन से। वेने बर्नेल 27 रन वाइल चेसिंग अगेंस्ट यॉर्कशायर और 1 विकेट है एक मैच के अंदर, 2019 और 20 के अंदर इसके 17 मैचेस में 15 विकेट है और 227 रन है। नबी आएंगे यहाँ से 1 विकेट प्लस 18 की नॉक थी वाइल चेसिंग इस टीम के अगेंस्ट में, और आपको ध्यान देना है कि 2021 के अंदर ना मोहम्मद नबी ने 17 मैचेस खेले हैं, 422 रन है, 9 विकेट है, 32 की एवरेज है। सैफ ज़ैब इस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेला, 2020 के अंदर 8 मैचेस में 116 रन, 19 की एवरेज है। रॉबर्ट ग्योज आएंगे यहाँ से 6 मैचेस में 60 रन, 15 की एवरेज है और हर बार बैट सेकंड करें, 4 बार बैटिंग आई, 28-16-11-5 और 3 विकेट है, बैट फर्स्ट 19 की एवरेज, बैट सेकंड 30 की एवरेज है, 2020 के अंदर 2 मैचेस के अंदर 49 रन था। टॉम टेलर 1 विकेट है हेड टोड मैच में, 2020 के अंदर 7 मैचेस में 120 रन, 4 विकेट था। ग्रेमी वाइट 13 में 13 विकेट, 3 मैच के अंदर विकेट लेस गया, 2020 के अंदर 12 विकेट था 10 मैचेस के अंदर, और बैन सैंडरसन का भी दोस्तों 2020 के अंदर 12 मैच आई थिंक 10 मैचेस में 12 विकेट था, और देख रहे हो आप बैन सैंडरसन का हेड टू हेड मैचेस में 2 मैच के अंदर 1 विकेट है, 1 विकेट इसने निकाला था बॉल सेकंड करते हुए। ब्रेंडन ग्लोवर इस T20 के अंदर ना 6 मैचेस के अंदर 7 विकेट है और इस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेला। रिचर्ड लीवी 8 मैचेस में 248 रन, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 35 के एवरेज इस टीम के अगेंस्ट में, यॉर्कशायर के अगेंस्ट में, पर दोस्तों फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, 2020 से फॉर्म में नहीं है और 2021 के अंदर इसने 5 या 4 मैचेस खेले उसमें कुछ नहीं करा, 10 मैचेस के अंदर 2020 के अंदर 196 रन था। नैथन बंग दोस्तों खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट है, 7 मैचेस में 10 विकेट है। जसो कप का 16 के अंदर 25 के एवरेज है, 323 रन है, हाई 68 नॉट आउट, 30 प्लस 4 बार गिरा। स्टार्टिंग ओवर नबी साहब, वेने पर्नेल, वैन सैंडरसन, डेथ में दोस्तों आएंगे वेने पर्नेल, वैन सैंडरसन, ग्रेमी वाइट। यॉर्कशायर की बात करते हैं दोस्तों, आप एडम लिथ के स्टैट्स देखो आप, अगेंस्ट नॉर्थैम्प्टनशायर 9 मैचेस के अंदर 400 रन, 47 की एवरेज, बैट फर्स्ट 161, सही सुन रहे हो आप, 50-46 नॉट आउट, 30-10-10-5 और बैट सेकंड 66-0 करा है। बैट फर्स्ट T20 करियर के अंदर 29 की एवरेज है, बैट सेकंड के अंदर 21 की एवरेज है, 2020 के अंदर अच्छा फॉर्म था लेकिन इस साल दोस्तों एक भी मैच के अंदर कोई अच्छी नॉक नहीं खेली जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं एडम लिथ से। जॉनी टेडरसन 3 मैचेस खेल के अगेंस्ट नॉर्थैम्प्टनशायर 10 करा है और 2 बार बैटिंग नहीं आई थी, बैट फर्स्ट में 30 की एवरेज है, बैट सेकंड के अंदर 17 की एवरेज है और इसने लास्ट टाइम 2019 के अंदर खेला था, 8 मैचेस में 110 रन था। जो रूट 2 मैचेस के अंदर 21 रन है, कैसे करा है, 13 बैट फर्स्ट 8 बैट फर्स्ट अगेंस्ट दिस टीम नॉर्थैम्प्टनशायर। अपन बात करें हेड टू हेड मैचेस की, आई वॉन्ट रिपीट दिस बार बार दोस्तों की, हेड टू हेड मैचेस के अंदर और वाइल्ड चेसिंग अच्छा करते हैं, 2020 के अंदर अच्छा फॉर्म था, मतलब आप समझ रहे हो कि 70 के आसपास एवरेज थी इस खिलाड़ी की 2020 के अंदर T20 के अंदर। ग्री बैलेंस का 5 मैचेस में 71 रन है, बैट फर्स्ट 16-12-10, बैट सेकंड 24-9, वाइल्ड चेसिंग 26 के एवरेज है, 2019 के अंदर 5 मैचेस में मात्र 24 रन था। हैरी ब्रुक्स दोस्तों बहुत ही बढ़िया, आप बोलते हैं अपन प्राइम फॉर्म है इनका, बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, 38 बैट फर्स्ट है, 7 वाइल्ड चेसिंग है इस टीम के खिलाफ में, 2020 के अंदर 8 मैचेस में 200 रन था और मेरे हिसाब से दोस्तों कड़क प्लेयर है। विल फर्ने आएंगे यहाँ से 2 मैच के अंदर 2 रन है, जॉर्डन थॉम्पसन 3 मैच के अंदर 1 विकेट है, 2020 के अंदर 8 में 8 विकेट था, इस साल दोस्तों ये भी प्राइम फॉर्म से गुजर रहे हैं। मैथ्यू वाइट 0 विकेट प्लस 14 रन, डोमिनिक बेस ने टीम का गेम में नहीं खेला है। मैथ्यू फिशर 2 मैचेस के अंदर 3 विकेट है और 2 विकेट बॉल फर्स्ट करते हुए, 1 विकेट बॉल सेकंड करते हुए। लुकी फर्गसन का भी दोस्तों 2 मैचेस के अंदर 3 विकेट है, 2 विकेट इसने बॉल सेकंड करते हुए निकाला था और 1 विकेट इसने बॉल फर्स्ट करते हुए निकाला था। अब ध्यान देना आपको यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर मैथ्यू फिशर
जॉर्डन थॉम्सन, लुकी फर्गसन, डेथर में आएंगे मैथ्यू फिशर, जॉर्डन थॉम्सन, लुकी फर्गसन। मैंने स्टैट्स की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है मेमानी टीम कौन है, मेमानी टीम है नॉर्थम्पटन शायर। तो यहाँ पे एडम रॉशिंगटन ने 25 वाइल चेसिंग, 12 वाइल चेसिंग, 0 वाइल चेसिंग। चार्ली थर्स्टन ने यहाँ पे 41 वाइल बैट फर्स्ट करा है। वर्ने पन्नेल ने यहाँ पे 27 वाइल चेसिंग प्लस एक विकेट है। नबी साहब ने 18 वाइल चेसिंग प्लस 0 विकेट है। आई थिंक एक विकेट था जितना मुझे दोस्तों याद आ रहा है। आएंगे यहाँ से रॉब कॉच, 11 रन वाइल चेसिंग, 5 वाइल चेसिंग और एक बार बैटिंग नहीं आई, 3 मैचेस खेल गए। टॉम टेलर के यहाँ पे 12 रन प्लस 0 विकेट है। गेन में बैट के यहाँ पे 7 विकेट 6 मैचेस के अंदर, 1 मैच के अंदर विकेट लेस। बेन सैंडरसन का 1 मैच में 0 विकेट है। योर्कशायर की बात करते हैं दोस्तों, आप जानते हैं होम ग्राउंड है, तो आप एडम लिच देख सकते हो 55 मैचेस के अंदर कितने रन्स हैं, आप देख रहे हो 1500 रन्स। टीकेसी दोस्तों नहीं खेलेंगे, टॉम कॉलर कैडमोर, जो रूट 14 मैचेस के अंदर 408 रन है, ग्रे बैलेंस का दोस्तों 35 मैचेस में 600 के आसपास रन है। हैरी ब्रुक्स का यहाँ पे 38 के एवरेज, 15 मैचेस में 400 रन है। इस तरह दोस्तों जॉर्डन थॉम्सन का 17 मैचेस में 18 विकेट, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। डोमिनिक बेस का 5 में 4 विकेट है। मैथ्यू फिशर का 13 मैचेस में 17 विकेट है। लुकी फर्गसन का मात्र 4 मैच के अंदर 9 विकेट है, आप देख सकते हो। प्लेयर बैटल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताइए जो करंट बॉलर्स है ना, किसके, योर्कशायर के, जैसे कि आदिल राशिद हो गए, डेविड विल्ली हो गए, फिर आप बहुत सारे बॉलर्स को देख सकते हो जो इस टीम के लिए खेला करते थे, डोनी ओलिवर वगैरह, वो सब दोस्तों अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो नॉट डिस्मिस्ड बाय द करंट बॉलर्स, ये जो बॉलर्स है ना अभी, लुकी फर्गसन हो गए, जॉर्डन थॉम्सन हो गए, मैथ्यू फिशर, ये सबके सामने दोस्तों आउट नहीं हुए एडम रॉशिंगटन ना वेने पारन दोस्तों मोहम्मद नबी। एडम लिथ की बात करते हैं, इनका स्ट्रगल बनता है मोहम्मद नबी के सामने। आपको बताइए एडम लिथ दोस्तों क्या है, लेफ्टी बैट्समैन है और मोहम्मद नबी ऑफ स्पिनर है, तो लेफ्टी वर्सेस ऑफ स्पिनर बहुत अच्छी प्लेयर बैटल मानी जाती है। और ये पहला ओवर डालेंगे मोहम्मद नबी और पहली बॉल पे स्ट्राइक करेंगे शायद एडम लिथ, या फिर दोस्तों जॉनी टेडरसन को भी स्ट्राइक पे भेज सकते हैं, बोलेंगे यार सामने ऑफ स्पिनर है आप स्ट्राइक पे आ जाओ, ऐसे बोलेंगे शायद मेरे हिसाब से एडम लिथ मोहम्मद नबी रहेंगे। तो एक बार आउट करा है जो रूट वर्सेस ग्रेमी वाइट, 17 बॉल 18 रन एक बार आउट करा है। वैन पेरन ने दोस्तों 16 बॉल 14 रन देकर एक बार आउट करा है। ग्री बैलेंस वर्सेस यहाँ से देख रहे हो ग्रेमी वाइट, 19 बॉल 21 रन दो बार आउट करा और दोनों बार पहली बारी के अंदर आउट करा है। कॉमन कैप्टन जो रूट, वैन पर्नेल, बड़ी लीग्स में किसको बनाना है दोस्तों, बड़ी लीग्स के अंदर बनाओ आप यहाँ पर जो रूट को, वैन पर्नेल को, एडम लिथ को, रिचर्डो वेस्कोनो निकल्स को, ये दोस्तों अच्छा प्लेयर है। 4 MVP प्लेयर्स आपको मैंने बता दिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स अलग जाना है तो आप ट्राई कर सकते हो लुकी फर्गसन, जॉर्डन थॉम्सन, मोहम्मद नबी। वीडियो पसंद आए लाइक करके जाना या फिर दोस्तों आप डिसलाइक कर सकते हो, पूरी मैंने दोस्तों आपके सामने बात करेंगे टीम्स की। यहाँ पर मेरे कैप्टन है जो रूट, वाइस कैप्टन ऐसे वैन पर्नेल हो गए और ऐसे मोहम्मद नबी को दोस्तों मैं वाइस कैप्टन बना सकता हूँ जितना मुझे लग रहा है, फिर कैप्टन भी बना सकते हैं। रॉशिंगटन, रिचर्डो, वेस्को निकल्स हो गए यहाँ से, हैरी ब्रुक्स आप देख सकते हो दोस्तों एक टीम है। इसमें मैंने मैथ्यू फिशर को लिया है इंस्टेड ऑफ डोमिनिक बेस, जनता ने दोस्तों डोमिनिक बेस को लिया जितना मुझे याद आ रहा है, ये देख सकते हो आप, इसका ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज इसका थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या करने की कोशिश करी है। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, वही कहूँगा रिस्क लेने से दोस्तों डरना नहीं है। अब देखो आपको मैं की टिप्स बताऊँगा दोस्तों, गट फील वाले रिस्क बताऊँगा, ठीक है। लाइफ में दोस्तों अगर आपके पास कुछ नहीं था ना, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको आपने पहले कभी नहीं करा हो। तो यहाँ से देखो रिचर्डो एक बहुत ही बेटर प्लेयर है, ठीक है। एडम रॉशिंगटन दोस्तों एक ऐसा प्लेयर है जो सिर्फ 4 या 5 में से एक मैच में चलता है। आप देखो यहाँ पर इस जो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करा ज़्यादा खास, इसमें कुछ नहीं करा, इसमें कुछ नहीं करा, इसमें कुछ नहीं करा, फिर देखो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करा और इसमें भी कुछ नहीं करा, बस एक मैच के अंदर चले उसके अंदर 118 पॉइंट दिया था। तो दोस्तों ऐसा प्लेयर है जब इसका दिन होगा ना तब चलता है दोस्तों, आधी टीम से आप इसको हटा सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, लॉजिक वाली बात है यार, 1/6 इसका रेशियो चलने का, समझ रहे हो। देखते हैं दोस्तों आप इनको हटा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बड़ी लीग्स के अंदर हर टीम से मत हटाना, स्मॉल लीग में हटाना दोस्तों रिस्की है बहुत। जो रूट, हैरी ब्रुक्स, एडम लिथ दोस्तों MVP प्लेयर्स हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मेरे लिए हमेशा रहेंगे। और यहाँ से अलग जाना है तो जॉशुआ कॉब खेलते थे उसको ट्राई करना इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्लेयर, ये इंपॉर्टेंट। वैन पर्नेल ये इंपॉर्टेंट है और दोस्तों नीचे मेरे को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। टॉम टेलर आप ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बड़ी लीग्स के अंदर थोड़े से रिस्की पिक है वैसे तो, आपसे सही तरीके से कहूँ। लुकी फर्गसन, ग्रेमी वाइट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैथ्यू फिशर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, टप्पा अच्छा है उनका। बेन सैंडरसन बड़ी लीग्स में ट्राई कर सकते हो, अभी तक दोस्तों कुछ खास करा नहीं है, लास्ट मैच में 57 पॉइंट दिया था, सिर्फ एक विकेट निकाला था और कैचिंग से इसने ज़्यादा पॉइंट दिया था। आई थिंक देखो एक कैच पकड़ा जनाब ने, एक रन आउट करा, एक इसने LBW निकाला या कैच आउट निकाला था, तो बोल्ड निकाला था, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है बोल्ड निकाला था इसने, ठीक है बोल्ड निकाला था, ठीक है जितना मुझे दोस्तों याद आ रहा है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आई थिंक उसका निकला था फिन एलन का, सीधा मिडिल स्टंप खड़ा था, मैंने दोस्तों पूरा मैच वैसे भी देखा था, जस्ट याद आ गया। ब्रेंडन ग्लोवर थोड़े से रिस्की पिक है, वरना दोस्तों मैं आपसे कहूँ ना तो आपको इन्हीं के ऊपर रोटेट करना है, बैंस एड्रेसों को ट्राई कर सकते हो या डोमिनिक बेस को। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक करके जाना है या फिर आप डिसलाइक कर सकते हो।
तब तक के मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।